गर्म होने के बाद इसमें तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा राई डालकर चेक कर सकते हैं कि ये गर्म हुआ है या नहीं। अब इसमें हम राई और जीरा डालेंगे। अब इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे तेल में, ताकि ये दोनों पक जाए। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसे पकने तक मिक्स करते रहेंगे। इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक यह सुनहरा नहीं हो जाए। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, ताकि दो सभी कच्चा ना रहे। अब इसमें हम मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची। अब इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और नमक और हल्दी भी साथ में डाल देंगे, ताकि हल्दी भी पक जाए। अब इसमें टमाटर डालकर मिक्स करेंगे, ताकि हमारा मसाला नीचे चिपके ना और जले भी नहीं। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर हम पकने देंगे। इसे ढक देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह पक जाए। अब हम इसे हिलाएंगे ताकि नीचे चिपके ना। अब हम एक तरफ दाल और चावल को अच्छी तरह से धो लेंगे और कुकर रखेंगे। कुकर में एक डबल पानी डालेंगे। हमने एक गिलास चावल लिए तो दो गिलास पानी डलेगा। अब उसे थोड़ा गर्म होने देंगे पानी को और चावल को, ताकि वो हल्के से पक जाए। और इधर हम मसाले में हरा धनिया डालकर उसे हिलाएंगे, ताकि धनिया भी थोड़ा कच्चा ना रहे, पक जाए। अब इस मसाले को हम कुकर में डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर देंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसे पैक कर देंगे। इसे हमें दो सीटी तक पकाना है। हमने पानी जितना मिक्स करा है उससे हमारे चावल अच्छे फरके फरके बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। देख सकते हैं हमने इसे 10 मिनट तक रखा था। अब इसे सर्व कर सकते हैं। हमारे चावल तैयार हैं, खिचड़ी बन चुकी है।